एक जुट होकर चले गए थे। ठीक है, यहाँ से मतलब स्टोरी यही है कि मैंने
भूतों पर क्या बात है या अफवाहें हैं? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोग आते हैं, रात कई वीडियोस निकालते हैं कि यहाँ पर रात का भूत होता है, वो होता है, बुलद्रा नहीं जाते हैं, बुलद्रा पे भूतिया गांव कहा जाता है। आपका घर साथ में बिल्कुल जी, आपने कभी देखा है कुछ? नहीं कोई, हम यहाँ पर आते रहते हैं, नो प्रॉब्लम, हमेशा आते रहते हैं। आप हमें दिखाएं, अपने चेक करें लोकेशन पे। थोड़ा सा खराब है इसलिए मेरी आवाज आपको कम मारी होगी, थोड़ी तबीयत भी खराब है। ये मुखिया का घर था, मैं ये बोलो। यस अच्छा, आ जाओ क्या, तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये मतलब पुराना काफी घर है, ये बहुत पुराना काफी है, इसमें रिपेयर किया जाता है। मेन जो जगह है इसी के बारे में बताया था ना? यस, मैं जहाँ पर कुछ दिखता है ना मंदिर के पास सब कुछ यही दिखता है, चमचेड़ी चमगादड़ है। वो चमगादड़ कितने हैं देखिए, ये चमगादड़ है आगे सर, चमगादड़ नहीं भाई ये, अच्छा हाँ हाँ वो रहा चमगादड़ है। इसे किसे इस साइड के लिए सर, ये इधर नहीं, इधर भी कमरा, इधर भी कमरा जो बंद है भी। कबीर भाई अंदर के भी बंद, चमगादड़ों में जाना। ऊपर वाली जो छत है ना दोस्तों, बाले की हैं। हाँ सर, मैं बता दें चमकादड़ भूत है भाई, ये बहुत पुराना गांव है, ये एक बहुत मेन जगह, ये था राजा का घर, ये था। EMF मीटर दोस्तों ऑन की है, रीडिंग आएगी तो आपको बताएंगे, बात भी करेंगे, बाकी मेन जगह यही है। चलो सर, बाहर नहीं जाएंगे जी, बाहर नहीं आज, बाहर सर चलिए। मंदिर है, मंदिर देख लें ऊपर से, ऊपर से देख लो अंदर चमका दे रहा है। सामने मंदिर है, अंदर नहीं जाना, व्यू ले लो। अंदर प्रतिमा रखी हुई, तभी शूज पहने ना, व्यू ले लो। छतरी जो आपको कचेदा की फिल्म में गिरती हुई दिखनी चाहिए, ये भी डीएस, ये छतरी है। इधर भी अब रिपेयर किया जाता है, ज़रा मेंटेन किया जाता है, पेंटिंग की जाती है। आई चल सर, अंदर देखिए सर जी, लोकेशन आपको बताएंगे। ये टूटा हुआ है खंडर बिल्कुल, इसे अभी तक दोस्तों ऐसा कुछ नहीं मिला है, कोई साइन नहीं, कोई कुछ नहीं। छतरी देखें, इसका भी, इसका भी ले लो। छतरी है जो भाई मेन बोल रहे हैं, इसका व्यू ले लो, और सामने कबीर भैया ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ टाइम बहुत, टाइम बहुत हो गया है। आप पीछे कमरे और ये भी कमरे, मकान खंडर हो चुके हैं, मकान खंडर हो चुके हैं, आप हम पूरी जानकारी। Thank you.
भूतिया भूतिया बताते हैं, कुछ नहीं ऐसा ये दोस्तों यहाँ के गाइड हैं, मैं इनको सब पता ही चला बिल्कुल साथ ही रहते हैं। तो इस जगह का चप्पा चप्पा जानते हैं देकर चले गए थे। अच्छा आप इसको जानते हो, ये क्या चीज़ है? जी सर भाई को बता आपको बताइए कि ये मीटर है, मीटर है, कोई भी ऐसी चीज़ होगी इस पर साइन है, चुंबकीय शक्ति होती है। अच्छा चुंबकीय शक्ति, आत्मा की शक्ति, हाँ जो आत्माएं होती हैं कहते हैं कि वो चुंबकीय शक्ति है, तो उस पर पत्थर जलने लग जाती है। अभी हम बात करेंगे, यहाँ देखते हैं प्राप्त रहते हैं। यस विज्ञान की ये देन, ये विज्ञान की देन। क्योंकि पूरी लोकेशन शूट करने में कम से कम 4 दिन लग जाएंगे, इतनी बड़ी लोकेशन है ये। हाँ हाँ भाई, इस जगह पे सबसे ज़्यादा सांपों का डर है। सांपों का डर है? देखिए दोस्तों कैसे टूट चुके हैं सारे। वो डिमांड आ रही थी आपकी, कुल धरा करो कुल धरा करो, तो सब आपके सामने। यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला है। बारिश का भी मौसम बना हुआ है और हवा तो आपको पता लग रहा होगा कि किस तरह से चल रही है, उसकी वजह से दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मीटर पर रीडिंग दे सकते हैं, जैसे अभी आपने पहले दिया दोस्तों, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। जी।
सरकार को बाद में रिपेयर करती जा रही है, सरकार पूरा ध्यान दे रही है, लोगों की याद ही बनी है। दोस्तों कई जगहों की अफवाहें होती हैं, ठीक है, हवाएं चल रही हैं इस समय, कोई भी अभी तक आवाज़ नहीं आई है, कोई परछाई कुछ भी नहीं दिखा रही। आपको पता है जो होता है वही दिखाते हैं, वो नहीं होता वो नहीं। ये भी माना जाता है इंडिया की सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन मानी जाती है ये। अब कितनी है नहीं है वो आपके सामने विजिट हो रही है। मुझे सुना नहीं, अगर गलती से मिस हो गई हो तो एडिटिंग में कैमरे में बिल्कुल ओके आ रही है भाई। तो यही है आपकी मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन फोन मैंने ऑन कर ऑफ कर दिया था, मैंने थोड़ी लाइट में कम कर देता हूँ, गूगल टाइम से ही दिखेगा। हाँ फोन मैंने ऑफ कर दिया था। एक मिनट, बत्तियाँ कैसे चल रही है? बत्तियाँ शायद फ़ोन की वजह से चल रही है। एक मिनट करना, रिफ्रेश कर रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। एक सेकंड भाई, हो गया, रिफ्रेश कर दिया। तो बाकी आगे चलते हैं, आगे और भी। एक मिनट जैसे भाई, पता क्या वो कैमरे के फोकस की वजह से ना फिर वहाँ पे वैसे होने लगी था। एक मिनट रुकना, कोई दिक्कत नहीं, सर आपको दिखा रहे हैं। रात हो चुकी है फिलहाल, हमारे भाई विश्वास नहीं करते ना कि आपने 12 बजे के बाद शूट किया है। ऐसे ऐसे हमारे नहीं, विश्वास करने वाले तो बहुत हैं, पर नहीं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोल नहीं, जो नहीं करते विश्वास, जो अभी फुल टाइम बता देगा। बाकी गर्मी में है, हवा चल रही है बहुत तेज, पसीने आ रहे हैं, मौसम इतना गर्म नहीं है, गर्मी शुष्क मौसम है अभी। हाँ उमस है बहुत ज़्यादा, हवा के साथ साथ गर्मी भी लग रही है, ऐसा एक मौसम महसूस हो रहा है। भाई कह रहे थे इसकी बत्तियाँ जल कैसे जल रही हैं। दोस्तों फ़ोन नहीं खा रहा था शायद, उस वजह से जगी
यहाँ पे कब्रिस्तान भी है ना एक? नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं है अंदर, कोकरा गाँव में कब्रिस्तान है जो नद अभी आगे तालाब है, तालाब की इधर साइड कब्रिस्तान देखेंगे, अंदर कोई कब्रिस्तान सा नहीं। ये दरख्त देख रहे हो सामने, जो पेड़ दरख्त है जिसको हम आम भाषा में जाड़ बोलते हैं, ये भी खंडर हो चुका है इस साइड वाला, ये देखिए मौसम से अच्छा दिखते हैं। भाई कह रहे हैं कि इस जगह का इस गांव का एक भी पत्थर कोई नहीं उठा सकता, उसका कारण? उसका कारण ये है कि यहाँ पर ये वृद्ध लोग थे, यहाँ पर जो नहीं जा सकते थे बाहर की तरफ, यहाँ राजा ने इन्होंने तलाक दिया था, तो जो वृद्ध लोग थे उन्होंने ये साफ दिया था कि हम तो आज इस दुख की घड़ी में जा रहे हैं, अगर कोई भी दूसरा परिवार यहाँ पर आकर बसेगा तो उनकी फैमिली और परिवार कभी सदा सुखी नहीं रह पाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पर कई लोगों ने रहने की कोशिश भी की, लेकिन उनके परिवारों में कई समस्याएं आई, कई लोग बीमार भी पड़ गए, इस वजह से लोग नहीं उठाते पत्थर भी, हाथ भी छूते भी नहीं। जानवरों की आवाज़ें पीछे आ रही होंगी आपको, कुत्तों की, रात का टाइम हो चुका है, नॉर्मल बात है, वातावरण शांत है। हाँ ये भी लगा दो सामने जगह दोस्तों, बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, कितनी भाई सामने रखेंगे जी। तो जो भी गांव है जो उजाड़ हो रखा है, अच्छा, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है, कोई रूह है, कोई चीज है, उससे ये कहेंगे इस पे साइन दो, अपने जो भी लोग हैं इस पे वो साइन देते हैं, ठीक है, आप फोकस कर लेना कभी भाई। कोई रूह जो मुक्त नहीं हुई है या मुक्त होने जा रही है, आपको पता होगा, जैसे कई कहते हैं कि मुक्त नहीं हुई क्योंकि कहते हैं कि आत्माओं को पता होता है कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है क्या नहीं। भाई को थोड़ा सा पास कर लो अपने, हाँ बस, जगह वीरान हो चुकी है, किसी टाइम में कोई रहता होगा जो शायद आज इस दुनिया में ना हो, या फिर पुरानी जगह बहुत ट्राई कर लेते हैं थोड़ा आगे। हाँ हाँ चलो चलो, उस साइड क्या है भाई, उस साइड बावड़ी भी है, कुआं भी है, अभी आगे यहाँ पे कुंद्रा गाँव यहाँ पे, और ये आप सामने देख रहे हो एक डेड एंड है, मतलब एक कोना है यहाँ पर शायद, आ जाओ भाई, एंड जो एक मकान है टूटे हुए, इस जगह नहीं है, यहाँ
अलावा है इस गांव में हमारे आसपास, हम आपसे दूर हो जाते हैं। चलिए आप मीटर की रीडिंग दें, एक दे, दो दे, तीन दे, हम आपसे बात करने आए हैं, आपसे कनेक्ट होने आए हैं, आपके बारे जानने आए हैं। यहाँ पर भाई भी हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। क्या एक बार मीटर पर रीडिंग दे सकते हो कि आप हमें यहाँ पाकर, हम आपके पास आए हैं चलकर, हमें आप देखकर खुश हो या नहीं? अगर खुश हो एक बत्ती जलाएं। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर हमारे आसपास कोई भी है इस पूरे गांव में, इसके आसपास, तो प्लीज़ इस मीटर में बत्ती जलाएं ताकि हम श्योर हो सकें कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। आप अपने होने का एहसास करवाएं। दोस्तों काफ़ी बार ट्राई करने के बाद भी कुछ साइन, कोई भी साइन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, और सारा जो है गांव में लगभग हम घूम कर आए हैं, जो मेन मेन जगह आपको वही दिखा रहे हैं। तो ये भाई हॉन्टेड है, हॉन्टेड बोलते हैं, पर हॉन्टेड लगी आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला भाई। पहले भी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बस बात ही है। हालांकि फिर भी इंडिया की सेकंड मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन बोला जाता है इसको। मैं फिर पूछता हूँ, क्या मीटर पर रीडिंग दे सकते हैं? कोई नहीं हो सकता यहाँ पर। दोस्तों ये आपके सामने है जो सच है, होता है तो होता है, नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हो सकता है कुछ हो हमारे सामने ना आ रहा हो या मीटर पर रीडिंग ना दे रहा हो, पर हमें कुछ भी नहीं लगा, हवा चल रही है। यहाँ से निकलते हैं, मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये एपिसोड, तो वो भी याद रखिएगा इस वीडियो को शेयर करना। आपकी स्पेशल डिमांड थी कि ऋषि भाई कुल दरा जाओ, जितना भी हो पाया इस मौसम में किया है। आगे से जो भी लोकेशन आएंगी मोस्ट हॉन्टेड ही आएंगी, जो टॉप हॉन्टेड है गूगल पर सर्च होती है। और लास्ट बार पूछ रहा हूँ, हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर हमने आपको परेशान किया हो तो हमें माफ़ करें। लास्ट बार पूछ रहा हूँ, क्या मीटर पर कुछ भी नहीं है? दोस्तों एक बार भी बाकी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया भाई। चले सर, खुदा हाफिज। तो वो में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार निकलते हैं, तो इधर से जाना पड़ेगा अपने को, तो ना? नहीं, इधर से आगे। ठीक, तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से प्यार, वीडियो को शेयर कर देना यार, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी लगती है, मेहनत भी लगती है, ठीक है, सब कुछ होता है सिर्फ आपके प्यार के लिए। और कुछ नहीं चाहते आपसे, बस वीडियो को शेयर कर दिया करो और वीडियो को पूरा देखो और ऐसे प्यार बनाए रखो। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू ऑल।